أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى सूरतुर रअद आयत नंबर 20 था 24 तर्जुमा जो लोग अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और कौल व करार को नहीं तोड़ते और जो लोग इन सब यानी हुकूकुल्लाह हुकूकुर रसूल हुकूकुल इबाद और अपने हुकूक क़राबत को जोड़े रखते हैं जिनके जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है और अपने रब की खशियत में रहते हैं और बुरे हिसाब से खाइफ रहते हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की खुशनूदी के खातिर सब्र से काम लिया है और नमाज कायम की है और हमने उन्हें जो रिज़्क अता फरमाया है उसमें से खुफिया भी और आलानिया भी खर्च किया है और बदसलूकी का दिफा हुस्न सलूक से करते हैं वतन असली यानी आखिरत उनका बेहतरीन अंजाम है और हमेशा रहने के लिए वो बागात जिनमें वो खुद भी दाखिल होंगे और उनके बाप दादों बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे वो भी और इनके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से ये कहते हुए दाखिल होंगे कि तुमने दुनिया में जो सब्र से काम लिया था उसकी बदौलत अब तुम पर सलामती ही सलामती नाजिल हो और तुम्हारे वतन असली यानी आखिरत में तुम्हारा बेहतरीन अंजाम है। सदक अल्लाहु अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। सहरी ट्रांसमिशन रमज़ान इश्क है में आपने आयत करीमा समाअत फरमाई जो आपके सामने कुरान हकीम से आयत करीमा मुंतखब करके इस वक्त तिलावत की गई जो तिलावत कारी हबीबुर रहमान ने की
उसमें तस्करा जो है वो सिला रहमी का है। अल्लाह ताला ने जहाँ पर अपने हकूक बांधे हैं वहाँ पर उसने हकूक लिबाद का भी तायुन किया, और हकूक लिबाद के तायुन में हमें एक बहुत वाज़े तरजीहात नज़र आती हैं कि हमने कहाँ से शुरू करना है और प्रायोरिटी किनको देनी है। और जब प्रायोरिटी की बात होती है तो उसमें हमें प्रायोरिटी लिस्ट बड़ी क्लियर है कि हमने अपने अजीज़ व अकरबा और अपने ऐसे गरीब मस्कीन हमारे रिश्तेदार जिनको कि अक्सर हम छोड़ देते हैं, अक्सर हम सिर्फ उन्हीं लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनसे ताल्लुक़ रखने में हमें कोई फ़ायदा होता है, जिनसे ताल्लुक़ रखने में हमें लगता है कि हमारी शान, हमारी मनसब, हमारी बराबरी के वो हैं। और अक्सर वो रिश्तेदार जो कि हमारे ओहदे, हमारे माल दौलत या किसी भी तरह से दुनिया में उस तरह के ताकत के हामिल नहीं होते, हम उनसे किनारा कश हो जाते हैं। और ये दुनिया का असूल एक ज़माने से चलता चला आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में बहुत वाज़े इरशाद फरमा दिया कि कताए रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आपके अल्फाज बेहद क्लियर हैं कि कताए रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सो कितना बड़ी ये एक वईद है, कितना बड़ा हमें एक क्लियर इंडिकेशन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस शख्स के कमजोर रिश्तेदार हों और वो उनके साथ अच्छा सलूक ना करे और उनको छोड़कर और लोगों को अपने सदकात दे, तो फिर अल्लाह ताला कयामत के दिन उससे मुंह मोड़ लेगा और ना उसको बख्शेगा। और हम अक्सर ऐसा कर रहे होते हैं ना, हमारे पास हमें पता होता है लेकिन अपनी लाइक डिसलाइक में या उनकी चंद ऐसे कुछ बातों की वजह से जो हमें नागवार होते हैं, या कभी उनकी कहीं भी कुछ ऐसी बातें जो हमें पसंद नहीं आई होती, या उन्होंने हमारे बारे में कुछ कह दिया होता है, हम उनसे ताल्लुक तोड़ लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक के माल को खर्च करने के बारे में भी बड़ा क्लियर बताया गया है कि हम में से कोई भी उस वक्त तक नहीं जन्नत को पा सकता जब तक हम अपनी पसंदीदा चीज़ों में से खर्च ना करें। और पसंदीदा चीज़ों को खर्च कहाँ करना है उसके बारे में भी हमें बहुत क्लियर बता दिया। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि नेकी ये नहीं है कि जो हमसे अच्छा सलूक कर रहा है हम उससे अच्छा सलूक करें, बल्कि सिलाए रहमी ये है कि हम उससे ताल्लुक जोड़ें जो हमसे ताल्लुक तोड़ता है। सो ये तो चंद ऐसी बातें जो कि मैं आपके साथ इब्तदाई में शेयर कर रही, लेकिन आज हमने इस मौजू पे खुल के बात करनी है। इससे कि लगता तो है कि बहुत आसान सी बात है, लेकिन मुझ समेत आपको भी शायद अंदाजा है कि इतना आसान मामला है नहीं। इसलिए कि बाज़ औक़ात आप चाहते भी हैं तो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, वो कतराते हैं, तो फिर उस सूरत में क्या किया जाए। मैंने तो ऐसे भी हालात देखे हैं कि आप किसी से मिलने जाएं तो उल्टा आप पे इल्ज़ाम लग जाते हैं कि जी आप तो जादू कर रहे हैं, आप तो ज़रूर हमारे घर में कोई शर फैलाने आए हैं, आप तो हमारे घर की बातें इधर उधर फैलाने के लिए आए हैं, कोई टो लेने के लिए आए हैं। ऐसी सूरत में क्या किया जाए। और फिर ख़ास तौर पे जहाँ पर अभी आपने जो आयत करीमा समाअत फरमाई उसमें उस रिश्ता कराबत को जोड़े रखने का जिसको अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है क्लियर बताया, लेकिन उसे तोड़ने में कई लोग उस रिश्ता कराबत में बहुत सारे रिश्ते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता भी उनमें से एक है, बहन भाइयों का रिश्ता उनमें से है, उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे अजीज व अकरबा आते हैं। सो सवाल रखूंगी मैं अपने स्कॉलर्स के सामने, सबसे पहले डॉक्टर जमील राठौर साहब जो कि मेरे साथ आज भी मौजूद हैं और आप एक्सपो सेंटर में एक अरसा दराज से तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं, तरावी पढ़ा रहे हैं और खुश अलहानी के साथ तिलावत के लिए पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं और मारूफ हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। उनके साथ मेरे साथ मौलाना आज़ाद जमील साहब हैं। मौलाना साहब जो हैं आप भी बहुत मारूफ स्कॉलर हैं और उसके साथ साथ मुहतमम हैं दारुल तालीम के, शुक्रिया तशरीफ आवरी का। मेरे एक और मेहमान स्कॉलर जिन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया है सैयद मुजफ्फर हुसैन रिजवी साहब, आप स्कॉलर भी हैं और उस्ताद हैं शोबा उलूम इस्लामी कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है आपका, और डॉक्टर बिल्कीस और शेफ समीना तो मेरे साथ हैं ही। अफजल साबरी साहब कबाल और हमनवा आज मेहमान हैं, शुक्रिया तशरीफ आवरी का। कलाम सुनने के लिए हम आपको बार बार जहमत देंगे। और मेरे साथ बहुत खुश अलहान सना खान भी हैं, सैयदा कौसर दानियाल साहिबा, शुक्रिया कौसर आपकी भी तशरीफ लाने का। और हमारे बहुत ही मारूफ नोहा खां आले रसूल और अहले बैत का जिक्र जिस सोज के साथ, जिस गुदाज के साथ ही करते हैं कि दिल रूह तड़प उठते हैं और वाकया करबला हमारे सामने जिंदा और जावेद हो जाता है। सो मेरे साथ है फरहान अली वारिस। सो फरहान, गुफ्तगू हमने बहुत कर ली, सो मैं चाह रही हूँ कि आपकी खूबसूरत आवाज के साथ कुछ जिक्र इलाही हो जाए और फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आपका शुक्रिया और ई प्लस और टीवी का शुक्रिया कि मुझे ये जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए मदु किया, और मैं कराम से इजाज़त चाहूँगा कराम से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए बख्शीश यही सौगात ले कर आ गया हूँ,
पाए बख्शीश यही सौगात लेकर आ गया हूँ लबों पर मुस्तफा की नात लेकर आ गया हूँ लबों पर की नात ले कर आ गया हूँ मैं कुछ अशआर लाया था सनाए मुस्तफा में मैं कुछ अशआर सभी समझे कि मैं आयात लेकर आ गया हूँ और ये नूर अली नूर साहब का लिखा हुआ कलाम है बहुत खूबसूरत शेर आपकी नजर कर रहा हूं यूं लगता है मदीने से जो मैं जरात ले कर आ गया बहुत सुभान अल्लाह ब्रेक के लिए रुक जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर यहीं से अपना सिलसिला जुड़ेंगे साथ रहिएगा खुशामदीद रमजान इश्क सहरी ट्रांसमिशन में और दुआएं हमारी यही कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की तमाम रहमतें बरकतें हमारे लिए खास कर दे और जैसे वो चाहता है कि हम गुनाहों से पाक हो जाएं और उन आलूदगियों को अपने से दूर कर दें जिनकी वजह से हम जहन्नुम के नज़दीक और जन्नत से दूर हो जाते हैं सो मेरी दुआ अपने लिए और आपके लिए यही है कि अल्लाह ताला हमें उस रंग में रंग ले जिससे वो हमसे राज़ी हो और जिसमें हम उससे राज़ी हों और वो हमसे राजी हो जाए सो आज की हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे आयत करीमा तो हमने तिलावत की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान बहुत काफी कि कताए रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर हुक्म तो क्यों आखिर आपके ख्याल में इंसान जो है क्या मुहर्रकात होते हैं जिसकी वजह से कताए रहमी होती है लोग एक दूसरे को तोड़ते हैं छोड़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस्लाम एक आफाकी और एक अबदी मज़हब है जो न सिर्फ ये कि इंसान को माबादत तबीयात जो मेटाफिज़िक्स के उसकी रहनुमाई करता है साइंस को बयान करता है बल्कि इसके साथ साथ इस्लाम मरने के बाद की ज़िंदगी के भी हालात बताता है और इस दुनिया में आप जो कुछ करेंगे उसके नताइज मुंतज होंगे आपके इस दुनिया में जाने के बाद लिहाजा उसकी भी रहनुमाई करता है और इसके साथ साथ इस्लाम इंसान को एक प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर अता करता है ऐसी तालीम अता करता है जो ना सिर्फ ये कि इंसान की रहनुमाई करती है बल्कि उसकी जिंदगी को आसान और सहल भी बनाती है मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी से नफरत कर रहा होगा नतीजा ही निकलेगा कि वो अपने वो काम जो रोजमर्रा की जिंदगी करने के हैं या वो अचीवमेंट्स जिनको वो गेन करना चाहता है इंसान उसकी बजाय नीचे की जानी जाएगा नफरत की वजह से उसका जहन माउफ हो जाएगा और काम करने की इस्तेदाद उसकी खत्म होना शुरू हो जाएगी इस्लाम ये चाहता है कि इंसान पूरी कैपेसिटी के साथ पूरी एनर्जी के साथ पॉजिटिव मैनर्स के अंदर अपनी जिंदगी गुजारे और उसके अंदर हर वक्त मोहब्बत हो मवद्दत हो खुशबू हो हसनात हो बरकत हो लिहाजा उसके लिए इस्लाम ताकि मुआशरा जो है ये रहने के काबिल बन सके इंसान इंसानों के साथ रह सके बिल्कुल इसलिए इस्लाम ने एक कंप्लीट इंडिविजुअल के अहकामात भी अता किए और इसके साथ साथ एक फैमिली के अहकामात भी और सबसे बढ़कर ये
کہ اسلام نے ایک مکمل فیملی اسٹرکچر ہمیں عطا فرمایا. ڈاکٹر صاحب اتنا تکرار کی ضرورت کیوں پڑی اللہ پاک کو اور رسول پاک کو اتنا اس پہ اصرار کرنے کی ضرورت کیوں پڑی, اتنا تاکید کرنے کی ضرورت کیوں پڑی, جبکہ رحم, پہلے یہ بتا دیجئے کہ رحم کے جو تعلقات ہیں قرابت داری اس کے زمرے میں آئے گا کون کون, پھر میں اپنی بات سوال لا کے بتاؤں کہ ایک تو یہ آپ سے جوڑوں کہ انسان کے اللہ نے حسد بھی رکھا ہے, انسان میں کدورت بھی ہے, بغض بھی ہے, کینہ بھی ہے, لالچ بھی ہے, اور آگے بڑھنے کا کمپٹیشن بھی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان عملی زندگی میں ایک دوسرے سے رقابت کر لیتا ہے, لہذا وجوہات بے شمار ہیں. لیکن آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے, آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس کے بعد پوچھا گیا کہ کون, آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ. اس کے بعد پوچھا گیا پھر کون, آپ نے فرمایا تمہاری بہن. اس کے بعد پوچھا گیا پھر کون, آپ نے فرمایا تمہارا بھائی. اس کے بعد پوچھا گیا پھر کون, فرمایا پھر دو تم سے زیادہ قریب ہے, پھر زیادہ قریب ہے, پھر زیادہ قریب ہے. تو پوری ڈیٹیل آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں بتا دی کہ والدین پرائیورٹی ہے, پھر بہن ہے, پھر بھائی ہے, اور اس کے بعد پھر جو تم سے ذوی القربا, جو تمہارے قریبی اعزاء اقریبا ہیں. اور اس لیے سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر, کہ نیکی نہیں کہ تم ایک ہی جانب اپنا رخ کر لو, نیکی یہ ہے کہ اللہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر ایمان لاؤ, اور پھر اس کے بعد تم نے اپنے ذوی القربا والیتامہ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, ٹھیک, ایک ترتیب بتا دی, یتامہ ہے, مساکین ہے, تمہارے اعزاء اقربا ہیں, وہ مسافر جو راہ بھٹک گئے ہیں, ان سب کی تم نے مدد کرنا ہے, پھر تم نیکی کو حاصل کرو گے. نماز, روزہ, زکات, حج, جہاد کو ہم نے فقط نیکی سمجھ لیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے مولانا آزاد جمیل آپ کی طرف, یعنی یہی سوال جو میں نے دھرایا تھا کہ صلہ جو رحم کے تعلقات ہیں, خاص طور پہ جب ہم قطع رحمی کی بات کرتے ہیں تو رحم کے جو رشتے ہیں تھوڑی سی ان کی وضاحت کر دیجیے, اس زمرے میں کون کون سے رشتے آئیں گے, کیونکہ آج ہم فوکس کر رہے ہیں قطع رحمی کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع, کہ جو ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع تعلق رکھتا ہو. بنیادی چیز یہ ہے کہ سوال یہ کہ قطع تعلق کس سے, کس سے. اب یہ بھی ہے کہ قطع تعلق, قطع تعلق, پھر اس میں آپ نے ایک دفعہ آپ کی مجلس میں آپ نے فرمایا کہ ہم ایک دعا مانگنے والے ہیں, جو کسی سے قطع تعلق رکھتا ہو وہ چلا جائے, وہ اٹھ جائے. ہم اس وقت ایک دعا کرنے والے ہیں, اور یہاں اگر کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے یا کوئی قطع تعلق ہے تو چلا جائے. اب قطع تعلق تو اسی سے ہوتا ہے نا جس سے رشتہ ہو, جس کو نہیں جانتا اس سے تو کوئی گلہ نہیں, بالکل, جس کی پہچان نہیں اسے کوئی توقعات نہیں. جس سے توقعات وابستہ ہوں, جس سے رشتہ وابستہ ہو, جس سے طریقہ وابستہ ہو, اس کو اس سے پھر قطع تعلق ہوتا ہے. یا وہ اونچ نیچ کرے, حقوق کی ادائیگی نہ ہو, حقوق کی, پھر قطع تعلق ہوتا ہے. پھر اس کے حسد کے بھی قصے, حسد بھی اس میں شامل ہے, بغض بھی شامل ہے, قطع تعلق میں ساری چیزیں ہیں. ٹھیک, لیکن یہ ماں باپ ہوں گے, یہ پھوپھی چچا تایا ماموں. ایک صحابی آئے, یہ لوگ, یا رسول اللہ نجات کا راستہ, آپ نے فرمایا ہماری ماں ہے, کہ یا رسول اللہ فوت ہو گئی, خالہ ہے کہاں ہے, کہ اس کی خدمت کر, اس کی خدمت کر, یہ چیز بتائی کہ جاؤ اس کی خدمت کرو. ٹھیک, اچھا مظفر صاحب, سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بیوی بھی ان احکامات میں شامل ہوتی ہے, میاں بیوی کا رشتہ بھی انہی رشتوں کے زمرے میں آتا ہے جس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے, جو قطع رحمی اور صلہ رحمی اور ان چیزوں کے تذکرے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت ممنون مشکور ہوں کہ اس اہم ترین موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع فراہم کیا آپ نے. بہت ہی اہم ترین موضوع ہے جس پر آج یہ گفتگو کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ, ہمارا جو ملک ہے اس وقت اسی اہم ترین ایشو پر گفتگو کی ضرورت ہے. اس پر گفتگو نہیں ہوتی قطع رحمی کی وجہ سے, آج ہمارے تعلقات بہن بھائی, ماں اور بیٹے کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان, بہن بھائی کے درمیان اس قدر قطع تعلق ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ انہی اسی رشتوں کے دائرے میں آتا ہے. بالکل بالکل, ارحام کا لفظ استعمال ہوا ہے. ارحام میں یہ ہے وہ نسب, جو نسبی نسبت رکھتے ہوں, چاہے دور کے ہوں چاہے قریب ہوں. اس میں میاں بیوی ایک قریب ترین رشتہ ہے جس سے خاندان ڈیولپ ہوتا ہے. تو میاں بیوی بہت قریب ترین رشتہ ہے, یہیں سے
एक घराना, एक मुआशरा तश्कील पाता है।